और हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र शुक्रवार से शुरू होगा। मनोहर लाल सरकार का ये अंतिम विधानसभा सत्र है। सत्र की कार्यवाही दोपहर बाद 2 बजे शुरू होगी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं मॉनसून सत्र में क्या कुछ होने वाला है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि क्या कुछ मॉनसून सत्र में होने वाला है। दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू होगी और विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो जाएगा। मनोहर सरकार का यह अंतिम विधानसभा सत्र है। सत्र की कार्यवाही दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। सत्र के 2 से 6 अगस्त तक चलने की उम्मीद है। सत्र की अवधि पर अंतिम मुहर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी लगाएगी। सत्र हंगामेदार होने के आसार भी हैं। घोटालों, कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हो सकता है। और सत्र के पहले दिन शोक प्रस्ताव से कार्यवाही शुरू होगी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए पूजा वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा वर्मा, इस सत्र को लेकर हंगामेदार रहने के कयास पूरे तरीके से लगाए जा रहे हैं क्योंकि ये विधानसभा का आखिरी सत्र है मनोहर सरकार का। बिल्कुल दीपशिखा, आज हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र है और जैसे ही सत्र से एक दिन पहले सभी विपक्षी दलों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, सभी ने बताया कि सरकार को किन मुद्दों पर घेरा जाएगा। जहां बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा तो रहेगा ही, वहीं जो घोटाले किए गए हैं, साफ तौर पर आरोप जो है विपक्ष ने लगाया है कि सरकार खुद को ईमानदार सरकार बताती है, लेकिन ये सरकार ईमानदार नहीं है बल्कि अपने चहेतों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए सरकार ने रूल्स तोड़े हैं। और जो कर्जा लिया है मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने, वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा लिया है। जबकि जब ये कार्यकाल इनेलो का था या कांग्रेस का था, तो उस वक्त जो ये कर्जा था वो काफ़ी कम था और इस प्रदेश को जो है पूरे कर्जे में डुबो दिया है, ये कहना था विपक्ष का। साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री से विधानसभा सत्र में ये जो है इसका हिसाब मांगा जाएगा कि आखिर ये पैसा कहाँ इस्तेमाल हुआ, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपने बनाई, किस किन विकास के मुद्दों को लेकर आपने इस पैसे को खर्च किया। तो पूरी तरह से अगर बात करें तो विपक्ष ने जो है अपने मुद्दे डिसाइड कर लिए हैं और सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि अभी सत्र की अवधि को लेकर भी ये देखा जाएगा कि विपक्ष कह सकता है कि सत्र बहुत छोटा है और क्योंकि विधानसभा चुनावों से पहले का ये सत्र है और हरियाणा की मनोहर लाल की सरकार का ये आखिरी सत्र है, तो ऐसे में सत्र बड़े होने, अवधि बढ़ाए जाने की मांग भी विपक्ष कर सकता है। हालांकि 11 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है जो कि ये डिसाइड करेगी कि यदि बिजनेस ज़्यादा होता है तो सत्र की अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। हालांकि अभी जो डेट सुनिश्चित की है वो 2 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में है। जी दीपशिखा जी, और इसी के साथ पूजा ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से वो मुद्दे रहेंगे जो विपक्ष घेरने की कोशिश सरकार के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल दीपशिखा, जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया कि किसानों का मुद्दा अहम रहेगा, कि जहां सरकार एक और ये कहती है कि हम किसानों को सब्स्टिट्यूट फसलें दे रहे हैं, चाहे वो मक्के की हो, सूरजमुखी की हो, और कहते हैं कि एक एक दाना खरीद रहे हैं, लेकिन रियलिटी इससे कुछ अलग ही नज़र आती है। आज किसान जो है जब अपनी फसल बेचने के लिए जाता है तो मंडियों पे उसे जो है ताला नज़र आता है, क्योंकि एक तो सरकार जिस तरह से एक दिखावा करती है, अपनी एडवर्टाइजमेंट करती है, वो कुछ और है और जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और है। इसके अलावा भर्तियों की बात विपक्ष उठा सकता है कि जिस तरह से सरकार कहती है कि पारदर्शी तरीके से भर्तियाँ की है, तो ऐसे में ट्रांसपेरेंसी की बात सरकार करती है तो उस पर सरकार को घेरेंगी कि आखिर किस तरह की ट्रांसपेरेंसी है। ग्रुप डी की भर्तियों में आप देखिए, चाहे एचपीएससी की जो हाल ही में जो नायब तहसीलदार के पेपर हुए, उसमें पेपर लीक के मामले हुए, उसको लेकर भी सरकार मुद्दा बनाएगी। वहीं जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है हरियाणा में, ये विपक्ष पहले से ही आरोप लगा रहा है कि जब से इनकी सरकार आई है तब से जो है यहाँ पर गैंगस्टर कल्चर बढ़ गया है और दिन दिहाड़े कोई भी अपराधी किसी को भी मार के चला जाता है और सरकार को इस
सख्त एक्शन नहीं लेती है, तो यही सब मुद्दे रहने वाले हैं जिस पर सरकार को घेरा जाएगा। इसके अलावा जो किलोमीटर स्कीम है उसके लिए भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी विपक्ष कर चुका है। हालांकि अभी तक जो है नेता प्रतिपक्ष कौन होगा ये तय नहीं हुआ है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल इस बार जो है इनेलो की जगह कांग्रेस बैठेगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से इनेलो से विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और कई अन्य राजनीतिक दल ज्वाइन कर चुके हैं, तो ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देता है। हालांकि सरकार भी ये कहती है कि उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि उन्होंने काम किया है और वो अपने काम को लेकर ही जो है सदन में बोलेगी। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर अगर आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो उन्होंने कहा कि ये विपक्ष की हताशा है, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कार्यकाल ना किया है ना देखा है जहाँ पर ईमानदारी से काम किया गया, हर वर्ग के लिए काम किया गया। तो यानी कि देखा जाए तो पूरा सरकार ने भी अपना जो है एक तरह से मास्टर प्लान तैयार कर लिया है कि किस तरह से जो है विपक्षी दलों का मुंह तोड़ जवाब देना है। जी दीपशिखा जी बिल्कुल, तैयारी के साथ साथ क्योंकि ये आखिरी विधानसभा सत्र है मनोहर सरकार का, तो कोशिश भी ये की जाएगी सरकार की ओर से कुछ ऐसे फैसले भी किए जाएं, ऐसे फैसलों पर भी मुहर लगे जो कि जनता के लिए सौगात के रूप में हो। बिल्कुल, जिस तरह से कई लंबित जो है एक्ट पड़े हैं या संशोधन पड़े हैं जिन्हें पास करवाना है, जिसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन के कुछ हैं, इसके अलावा अगर बात करें तो भर्तियों को लेकर कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिस पर जो है लंबे समय से उम्मीद की जा रही थी कि कैबिनेट में पास हो चुके हैं लेकिन अब विधानसभा में पारित किए जाने थे, तो उन पर चर्चा की जाएगी, तो उम्मीद है। हालांकि अहम यही रहेगा कि जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने ये कहा था कि हर कोका कानून लेके आएंगे, क्योंकि नशे की खेप जो है हरियाणा में पंजाब के बाद जा रही है, तो ऐसे में उसको लेकर एक्ट बनाने को लेकर भी सदन में ये लाया जाएगा और सबकी निगाहें इसी पर है कि इसे पारित कर दिया जाए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर खुद कहते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, उसे कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं सहायता प्रदान होगी। तो इस तरह के और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो टेबल पर रखे जाएंगे और जिन्हें पारित करने की सरकार पूरी तरह से कोशिश करेगी। हालांकि ये पारित हो भी जाएंगे क्योंकि विपक्ष की जो क्या है वो काफी कम है और सत्ता पक्ष के पास जो है ज्यादा पारित करने के लिए, प्रस्ताव पारित करने के लिए मुद्दे होंगे, तो ऐसे में जो है पूरी तरह से जो भी सरकार चाहती है वो जरूर होगा। जी दीपिका शुक्रिया पूजा इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि विधानसभा सत्र शुरू हो जाएगा आज मानसून सत्र, और सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार, क्योंकि किसानों का जो मुद्दा है उसको लेकर हंगामा जरूर होगा। एसवाईएल पर भी इनेलो सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, इसके अलावा सरकार की भी कोशिश रहेगी क्योंकि आखिरी विधानसभा सत्र ये मनोहर सरकार का, तो सरकार की भी कोशिश रहेगी कि उन फैसलों पर मुहर लगे, कुछ ऐसे फैसले जो कि इस विधानसभा सत्र में सामने आएंगे उन पर मुहर लगाई जाए, सरकार की कोशिश रहेगी क्योंकि इसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे, ये आखिरी सत्र या आखिरी मौका कह लीजिए। तो आपको बता दें कि मनोहर सरकार का ये अंतिम विधानसभा सत्र है।